हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि DYK का हैमर है। 2-28 मॉडल में आता है दोस्तों ये। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग और प्लस टेस्टिंग करके दोनों बताएंगे। तो गाइस, देर किस बात की, मैं आपको इसका एक एक से फंक्शन बताता देता हूँ, किस वेट से आता है, किस इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, सब बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये DYK का हैमर है जो कि 2-28 मॉडल में आता है और ये 4-in-1 है दोस्तों। हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है ये। 1680 इसका वैट है और ये 4-in-1 फंक्शन में आता है। 100% वाटरप्रूफ मटेरियल है दोस्तों ये। और इसका आपको मैं स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, 220 से 240 वोल्ट में चलता है ये। और इसका इनपुट वैट रहता है 1680 और इसका RPM रहता है 0 से 1300 RPM तक रहता है। और मैक्स इनपुट रेट रहती है इसकी 900 और 2800 BPM। तो दोस्तों, आइए आज मैं इसको अनबॉक्सिंग और प्लस टेस्टिंग करके दोनों बताता हूँ। तो देर किस बात की, इसको हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो गाइस, इसमें ओपन करते ही हमको मिलता है एक कंपनी का यूज़र मैनुअल और इसके साथ में आपको मिलते हैं 3 चीज़ल मिलते हैं जो कि 6, 8 और 10 में आते हैं। और इसके साथ में आपको एक फ्लैट और पॉइंट 2 बिट भी मिलते हैं साथ में दोस्तों। और इसके साथ में एक आपके लिए डेस्ट कैप बोलो या गार्ड कैप बोलो उसको, जो कि होल करते वक्त इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको डेस्ट कैप बोलते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी मशीन जो कि 2-28 मॉडल में आती है। तो आइए, आज मैं इसका पूरा आपको रिव्यू करके बताता हूँ किस हिसाब से काम करती है और कैसे काम करती है ये। देखिए दोस्तों, ये DYK की ब्रांड से आती है, 2-28 मॉडल है। इसमें 4 वेरिएबल आपको ऑप्शन मिलते हैं। ये एक आता है ड्रिल और दूसरा आता है हैमर ड्रिल और तीसरा आता है जैसे कि आपको बिट को रोटेट करना है तो वो फंक्शन इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है। और चौथा आता है चिपिंग करने के लिए। तो ये 4 फंक्शन में चलती है और इसमें आपको राइट और लेफ्ट दोनों मिलता है। इसको अगर बटन को आप ऐसे प्रेस करोगे तो लेफ्ट में घूमेगी और ऐसे प्रेस करोगे तो ये राइट में चलेगी। तो मैं आज आपके लिए इस ब्रांड की टेस्टिंग करके बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी मशीन है ये और मार्केट में बहुत फेमस मशीन है, बहुत अच्छा काम करती है ये। आपके लिए कारपेंटर और प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशन, ऐसे कामों में बहुत काम आती है मशीन। भारी से भारी कॉन्क्रीट में भी ये बहुत आसानी से होल कर देती है और इसकी स्पीड कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। तो मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग कर दिया हूँ, बता दिया हूँ आपको क्या क्या आता है इसके साथ में। और चलिए मैं आपको बताता हूँ टेस्ट करके इसको कि किस प्रकार से काम करती है ये। इसको आप वुड में और कॉन्क्रीट में और स्टील में, तीनों में भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें स्टोन में भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ स्टोन में भी होल अच्छा हो करती है ये। तो आइए मैं आपको इसको एक स्टोन में होल करके आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ कि कैसे काम करती है। तो आइए गाइस, मैं आपको इसमें बताता हूँ कैसे इसको बिट को इंस्टॉल किया जाता है। तो बिट इंस्टॉल करना बहुत सिंपल ही है। जैसे हमने ये मशीन ली, ये मशीन है, अभी हमने इसको बोलते हैं फ्लैट चिजल जो कि ये चिपिंग में काम आती है। तो इसको हमने ऐसा लिया, मशीन को ली और इसको हमें थोड़ा सा पीछे प्रेस करना है, नहीं तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इसको थोड़ा सा घुमाते जाना है और ये ऐसा प्रेस करना है, ये इंस्टॉल हो जाती है। और दोस्तों, मैं आपके लिए बताता हूँ, जो हैमर में है ना, ये सिस्टम दिया गया है, जो ये 3 वाला सिस्टम है, ये घुमाने वाला, ये किसके लिए दिया गया है। 2-20 में सिस्टम नहीं, 26 में सिस्टम नहीं रहता है, ये 28 में DYK ब्रांड में आया है। जो कि ये इसको हम अभी इसको ऐसा टर्न करेंगे तो हम ये चिपिंग की पोजीशन किधर भी चेंज कर सकते हैं इसकी। जैसे कि हमको ये इस पार्ट में चिपिंग करनी है तो इसमें इसको हम सेट करके रख सकते हैं, या फिर ऐसा टर्न करना है तो इसमें भी हम इसको टर्न करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हमारे हिसाब से उसको चिपिंग करना है उस हिसाब से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो है चिजल, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो आइए गाइस, मैं आपको बताता हूँ ये डेस्क कैप है जो ये किसके लिए काम आता है बोल दो। जैसे कि हम अभी RCC में होल कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इसको ऐसा लगा के, कैप को ऐसा लगाने से, इसको ऐसा प्रेस करने से, अभी जब भी हम होल करेंगे ऊपर के लिए तो पूरा डस्ट इसमें कलेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आपके आंखों में नहीं पड़ेगा। इसे क्या सेफ्टी गार्ड बोलते हैं और ये सेफ्टी कैप भी बोलते हैं इसको, जो कि ये इस काम में इस्तेमाल होता है।
तो आइए मैं आपको इसका एक टेस्ट करके बता देता हूँ कि किस हिसाब से ये काम करती है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि वुड में किस प्रकार से काम करती है। जैसे कि नॉर्मल बिट है तो उसमें क्या है, बिट लगती नहीं है। तो आपको गाइस एक चेक लेना पड़ेगा ऐसा, वो जो कि ये मार्केट में मिलता है, चेक और एक कनेक्टर लेना पड़ेगा। उसको आप आराम से इसमें इंस्टॉल करके ऐसा प्रेस करके और उसके बाद आप इसमें कोई सी भी वुड ड्रिल बिट या स्क्रू बिट, कौन सा भी बिट भी इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों आइए मैं इसको अभी टेस्ट करके बताता हूँ। अभी हमने एक 6mm का बिट, 8mm का बिट ले लिया है, इसको हमने इंस्टॉल कर दिया है इसमें। तो आइए अभी हम इसको टेस्टिंग करके आपको बताते हैं। तो गाइस अभी हम इसको टेस्ट करके बताने वाले हैं किस प्रकार से काम करती है। इसका हैंडल हमने इस तरफ मोड़ लिया है। अभी देखो ये मैंने ना ये हैमर में सेट कर लिया है। ये जो बीच वाला फंक्शन है ये हैमर का होता है, जो मैंने हैमर में सेट कर लिया है। ये ड्रिल वाला है जो उड के लिए काम आता है, और ये चिपिंग वाला है, तो मैंने भी हैमर में सेट कर लिया है। तो अभी मैं बताता हूँ किस प्रकार से काम करती है। तो देखा गाइस आपने इसका कितना पावर है, हमको एक मिनट हुआ है, एक मिनट में इसने 4 इंच तक होल कर दिया है, वो भी 70 में। अगर आप इसको कंक्रीट में करोगे तो ये विद इन 30 सेकेंड के अंदर 6 इंच तक होल कर देगी। तो इसका पावर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मशीन है। तो गाइस हमने इसकी टेस्टिंग करके आपको बता दी है कि किस प्रकार से काम करती है और कौन से मोड में किस प्रकार से काम करती है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर हर रोज़ आती रहेंगी। आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो हमको कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे।